करते हैं हमारा सेकेंडरी चैप्टर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी के बारे में, नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिए आप। और सेकेंडरी मेमोरी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डिस्क से। लेट स्टार्ट मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को अगर शॉर्टली अगर आप देखना चाहें तो HDD के नाम से भी इसे जाना जाता है। हार्ड डिस्क इज ए परमानेंट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल से मैंने पहले ही बताया था। अब हम उस बात को कहना चाहेंगे जब मैं कहना चाह रहा था पहले, कि जब आप एक ह्यूमन पर्सन अपनी प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोर करता है डेटा, वो वोलेटाइल हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा वो स्टोर करता है, यानी उसकी नोटबुक में जो कुछ भी वो लिखता है, तो उसे वो लिखता है और फिर जब तक वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी, यानी खुद उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तब तक वो हटेगी नहीं वहां से। सेम थिंग कि हार्ड डिस्क में जब हम कोई डेटा स्टोर करेंगे और जब तक हम मिटाएंगे नहीं, तब तक वो वहीं पे ही रहेगा। हम उसे हटा नहीं सकते जब तक हम ना चाहें। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। परमानेंटली स्टोर हो गया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता जब तक वो अपनी इच्छा अनुसार काम ना करना चाहे। हार्ड डिस्क इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग रैपिडली रोटेट डिस्क कोटेटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। डेटा इज रीड इन ए रैंडम एक्सेस मेथड। अब देखिए, रैंडम एक्सेस मेथड की बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्क में कोई भी डेटा जहां पे स्टोर होता है उसको हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले यहां जाना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी डेटा कहीं पे भी जाकर के उसको पिक करके, अगर आप सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं कोई सा भी सॉन्ग कभी भी प्ले कर सकते हैं, उसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई भी मूवी प्ले कर सकते हैं, उस मूवी को कहीं से भी फॉरवर्ड रिवर्स करके कहीं से भी किसी भी स्टेप से देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क एंड डिस्क पैक। ये जो डिस्क का आप देख रहे हैं यहां पर इमेज, इस डिस्क की इमेज को और हम डिटेल में इसके अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर कि एक प्लेटर लगा हुआ एल्यूमिनियम प्लेटर होता है, जो कि मोटर, यहां पे जो मोटर लगी है स्पिंडल मोटर, इसके बारे में आगे अगली स्लाइड में डिटेल में देखें हम जरा। यहां पर ये देखिए आप हार्ड डिस्क डिटेल, ये इमेज दिख रही है, जरा इसे ध्यान से देखिए इस इमेज को। इस इमेज को हमने बताया है कि जो अंदर से एक पैक्ड हार्ड डिस्क को आप अंदर से देख रहे होंगे तो वो किस तरह से यहां पर शो हो रही होती है। देखें आप यहां पर, ये एक गोल सर्कल सा होता है जो कि प्लेटर जिसे हम कहते हैं, एल्यूमिनियम का होता है ये बना हुआ बेसिकली, और इसको जब खोलेंगे तो इतना साफ होता है, इसमें आप अपनी इमेज बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से देख पा रहे होंगे। इस प्लेटर को रोटेट करवाने के लिए स्पिंडल मोटर लगी होती है यहां पर। ये आप देखें यहां पर, ये एक हेड एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर एक्सिस यहां पे आप देखें, यहां पर एक्चुएटर एक्सिस है यहां पे, और इस को हम एक्चुएटर आर्म कहते हैं, और यहां पे हेड होता है जो कि रीड एंड राइट पे वर्क करता है। ये एक्चुएटर की कंट्रोलिंग के लिए है यहां पर। ये पूरी हार्ड डिस्क का एक पैनल है जो कि ओपन दिख रहा है आपको। ये ऐसे ओरिजिनल में ये ऐसे जो होता है ये कवर होता है, इसके ऊपर प्लेट लगी होती है, ढका हुआ होता है। इसमें सिंगल डस्ट का एक कण भी नहीं जा सकता, ये डस्ट प्रूफ होती है, डस्ट नहीं जा सकती इसके अंदर। और यहां पे देखें कनेक्टर आईडी कनेक्टर, अगर टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क में आईडी हार्ड डिस्क है तो आईडी हार्ड डिस्क की केबल लगाने के लिए कनेक्टर यहां पे दिया हुआ है। यहां पर जम्पर की सेटिंग, जम्पर से मतलब होता है हार्ड डिस्क को आप किसी कंप्यूटर में दो हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, तीन हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, तो उसमें प्राइमरी हार्ड डिस्क किसको बनाना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है, उस जम्पर पे, ठीक है। यहाँ पे पावर कनेक्टर है, पावर कनेक्टर, पावर यानी कि पावर सप्लाई, इस हार्ड डिस्क को चलाने के लिए पावर सप्लाई भी हमें अलग से प्रोवाइड करानी पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पे डिस्क प्लेटर के बारे में बताया जा रहा है, स्टेपर मोटर के बारे में बताया जाता है। स्टेपर मोटर यहाँ पे जो एक्चुएटर को रोटेट कराने के लिए वर्क करती है वो स्टेपर मोटर होती है। स्पिंडल मोटर मैंने बताया, यहाँ पे इस प्लेटर को रोटेट कराने के लिए वो स्पिंडल मोटर होती है। रीड एंड राइट हेड, ये जो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर कभी आप हार्ड डिस्क खोली हो आपने या आपको देखने को मिले, यहाँ पे एक हेड सा बना होता है जो रीड एंड राइट का वर्क करता है, और ये बहुत ही रोटेट इस तरीके से इतनी स्पीड से ये वर्क कर रहा होता है। डिस्क प्लेटर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये जो वर्किंग इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे काम किसको करना है, आगे देखते हैं इसमें और डिटेल में हम। डिस्क स्ट्रक्चर, अब हम प्लेटर पे आ गए।
उस प्लेटर के अंदर किस चीज को क्या कहा जाता है। आप देखें ये प्लेटर जो होता है इस तरीके से अलग अलग पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्ट्रक्चरिंग कहते हैं जिसे हम ट्रैक। पहले हम ट्रैक की बात कर रहे हैं। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉल्ड ट्रैक। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इस तरीके से सर्कल बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रैक, ठीक है। उसके बाद है सेक्टर। डेटा स्टोरेज आर इन वन ट्रैक मल्टीपल ब्लॉक इज कॉल्ड सेक्टर। आप देखें यहाँ पर कि ये इस तरीके से ये जो है इस तरह डिवाइड किया है, दिस इज सेक्टर, डेथ सेक्टर। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सेट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ट्रैक इन ऑल साइड्स ऑफ हार्ट डिस्क इज कॉल्ड सिलेंडर। यानी कि ये जो आपको सेक्टर दिख रहे हैं, ये जो ट्रैक दिख रहे हैं, इसका इसके नीचे वाली साइड में भी डेटा स्टोर होता है। नीचे वाली ऑल साइड्स यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है डिस्क का ये प्लेटर है कि तो ऊपर की तरफ डेटा स्टोर होता है, नीचे की तरफ भी डेटा स्टोर होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे की तरफ भी या कई कई साइड्स में, एक जरूरी नहीं कि हार्ड डिस्क में एक ही प्लेटर लगा हो, दो प्लेटर भी हो सकते हैं, तो उसको सिलेंडर्स यहाँ पे प्रेजेंटेशन के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। पार्टीशन फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। जब आप मार्केट से कोई हार्ड डिस्क परचेस करके लाते हैं तो वो हार्ड डिस्क के अंदर जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। सी डी ई हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन आप देखते हैं, वो बेसिकली जो वो पार्टीशन है वो हम बनाते हैं मार्केट में बनी बनाई हार्ड डिस्क। उस हार्ड डिस्क में पार्टीशन पहले से क्रिएट नहीं होते हैं, और जो हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, जो वॉल्यूम बनाते हैं, वो कितने वॉल्यूम बनाना चाहते हैं सारी चीज हम पे डिपेंड करती है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले पार्टीशन फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, प्राइमरी पार्टीशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मे भी पूछ लिए हैं। प्राइमरी पार्टीशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कौन सा पार्टीशन होता है? आंसर प्राइमरी पार्टीशन। विंडोज ऑपरेटिंग मस्ट बी लोकेटेड इन ए प्राइमरी पार्टीशन, ओनली प्राइमरी पार्टीशन कैन बी यूज्ड टू बूट द ओएस। यानी कि प्राइमरी पार्टीशन जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप डालना चाहते हैं तो इसी पार्टीशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली हमारी प्रायोरिटी होती है प्राइमरी पार्टीशन में ही डालें, ठीक है, क्योंकि बूटिंग फाइल्स भी इसी में ही स्टोर होती है आकर। नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्टीशन, यानी कि हमने प्राइमरी पार्टीशन बना लिया, जो प्राइमरी पार्टीशन होता है वो ऑलवेज हमारा सी ड्राइव जो बनती है वो हमारी प्राइमरी पार्टीशन ही होती है, वो प्राइमरी पार्टीशन कहलाता है वहां पे हमारा। उसके बाद बचे हुए स्पेस को हम एक्सटेंडेड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी 80 GB की हार्ड डिस्क थी, 80 GB के हार्ड डिस्क में से हमने 20 GB का प्राइमरी पार्टीशन बना लिया, बचा 60 GB। 60 GB को पहले हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएंगे, उस एक्सटेंडेड 60 GB पार्टीशन को हम लॉजिकल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 20 GB का अलग, 20 GB का अलग, 20 GB का अलग, यानी कि तीन पार्टीशन और क्रिएट कर हमने, जो कि डी ई एफ। तो सी प्राइमरी बन गया और डी ई एफ एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल होता है, तो ये तीन पार्टीशन और बनाए हमने, ठीक है। तो इस तरीके से चार पार्टीशन बने। अब क्वेश्चन ये है कि कितने वॉल्यूम, यानी कि जो पार्टीशन होता है सी डी ई देखते हैं हमें, ये बेसिकली इसे वॉल्यूम कहते हैं, तो ये कितने वॉल्यूम, कितने पार्टीशन हम बना सकते हैं किसी एक हार्ड डिस्क में। और मैं इससे पहले आपको बता दूं, फैट और एनटीएफएस के बारे में सुना होगा आपने, फैट फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये फैट और एनटीएफएस की बात करते हुए जिन लोगों को पता हो, तो अगर हम फैट की बात कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ पार्टीशन, यानी कि सीडी जो होता है, कितने पार्टीशन हम बना सकते हैं किसी हार्ड डिस्क के अंदर, कोई बता सकता है? अगर आप फैट फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप सी से लेकर जेड तक 24 पार्टीशंस, यानी 24 वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं किसी एक हार्ड डिस्क में। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर पेनड्राइव कहां लगाएंगे, फिर हम सीडी रोम कहां लगाएंगे, डीवीडी रोम कहां लगाएंगे। अब बट नेचुरल सी बात है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो जब भी वो स्टोरेज डिवाइस लगाने पर वो अपने आप को एक कॉलम असाइन करेगी, वो डी ई एफ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है लास्ट कॉलम कौन सा खाली है। अब जेड तक तो हमने एंगेज कर लिया, जेड के बाद क्या वो डिटेक्ट करेगी या नहीं? नहीं, वो जेड के बाद डिटेक्ट नहीं करेगी।
हमें इसलिए जब पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम 4 या 5 पार्टीशन बनाते हैं, उसके बाद हमें पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो पेन ड्राइव और सीडी रोम ड्राइव यानी कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हम जो लगाते हैं, उसके बाद के कॉलम यानी कि हार्ड डिस्क के बाद के कॉलम जो होते हैं वो पेन ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को असाइन होते हैं। आप एक कंप्यूटर में जब अगर आपने 2 पेन ड्राइव लगाई तो एक का फॉर एग्जाम्पल ई कॉलम असाइन हुआ है तो अगले का एफ कॉलम असाइन हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड की कोई भी स्टोरेज डिवाइस जब भी आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो जब तक एक कॉलम अपने लिए असाइन नहीं करेगी तब तक वो शो नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं और वो आप चाहते हैं कि ना दिखाई दे, अगर आप चाहते हैं कि वो ना दिखाई दे तो पेन ड्राइव का जो लेबल होता है यानी सी डी ई जो से नेम प्रोवाइड होता है, कॉलम प्रोवाइड होता है, इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव तो लगी होगी लेकिन उसको कोई कॉलम असाइन नहीं होगा। और आप ये भी दिखा सकते हैं, देखिए पेन ड्राइव लगी लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर रही, इसे एक एरर के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, फाइल सिस्टम इन हार्ड डिस्क। तो 2 तरीके के फाइल सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास। पहला फाइल एलोकेशन टेबल, फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, पूछी जा सकती है कभी भी आपसे एग्जाम में। सेकंड है एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। पहले फाइल एलोकेशन टेबल जो फैट है ये पुराना फाइल सिस्टम है और एनटीएफएस जो मतलब हो गए इसको भी अप्रोक्सीमेट 7-8 साल, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फैट में आपको बता दूं, जब फैट स्टार्टिंग में आया था तो फैट 12 एंड फैट 16 और फैट 32 फाइल सिस्टम, जो फैट फाइल सिस्टम था इसमें इतनी कैटेगरी थी। फैट 32 यहां पे हम पढ़ेंगे यहां पे आकर के। इन दोनों फाइल सिस्टम का जो मैक्सिमम किसी एक पार्टीशन का जो साइज था क्रिएट करने का वो था 2GB। 2GB से ऊपर आप किसी पार्टीशन का साइज रख ही नहीं सकते थे। और जब फैट 32 आया तो फैट 32 में आप 32GB से ऊपर किसी पार्टीशन का साइज नहीं रख सकते। वो बात अलग है, कर सकते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो 100GB तक का फैट फाइल सिस्टम बना देते हैं, लेकिन अगर हम इसको सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लेते हुए चले तो विंडोज XP जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो 32GB से ऊपर का फैट फाइल सिस्टम नहीं बनेगा। जैसे ही आप 32 के ऊपर जाएंगे तो फैट फाइल सिस्टम आएगा ही नहीं, वहां पे सिर्फ NTFS से ही फॉर्मेट करने का ऑप्शन होता है। ये होते क्या, बेसिकली व्हाट इज फाइल सिस्टम, ये है क्या? फाइल सिस्टम की वजह से ही आपके कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। आप जब कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको एक कोई सा भी इन दोनों में से फाइल सिस्टम चूज करना पड़ेगा। और ये कब चूज करते हैं, जब हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करते वक्त हमसे ये पूछता है कि ये जो पार्टीशन आपने पार्टीशन बनाए हैं सी डी ई, ये जो पार्टीशन आपने बनाए हैं इन पार्टीशन का फाइल सिस्टम आप क्या रखना चाहते हैं, आप फैट रखना चाहते हैं कि एनटीएफएस रखना चाहते हैं? या आप अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देखिएगा, किसी भी पार्टीशन पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा तो फॉर्मेट करते वक्त वो पूछेगा वहां पर कि आप इसको फैट या एनटीएफएस फाइल सिस्टम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने एनटीएफएस सिलेक्ट करके किया तो एनटीएफएस वाली फैसिलिटी मिलेगी, फैट किया तो फैट वाली फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। 32 से ऊपर आप देखेंगे अगर आप कंप्यूटर में फॉर्मेट कर रहे होंगे तो जैसे ही आप 32GB से ऊपर का पार्टीशन करेंगे तो फैट हाईलाइट ही नहीं होगा, फैट आएगा ही नहीं, केवल एनटीएफएस ही आएगा। और जब आप 32GB से नीचे का पार्टीशन लिए होंगे तो फैट और एनटीएफएस दोनों आएगा, और जब आप 1GB 2GB से कम का पार्टीशन लेंगे तो फैट 16 और फैट 32 और एनटीएफएस सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो फैट अगर आपने ये फाइल सिस्टम चुना, फैट एलोकेशन फाइल सिस्टम चुना, चूज किया फॉर्मेट करते वक्त, तो आप देखिए यहाँ पे कि एक तो ये सिक्योर नहीं होता है। अब आप कह रहे हैं सर ये सिक्योर से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिक्योर। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कंप्यूटर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो आप देखते हैं वेलकम स्क्रीन पर यूजर 1 और यूजर 2 यानी कि अमित और सोनू दो लोग हैं,
तो ये दो अलग अलग यूजर जब कंप्यूटर में जाते हैं तो कंप्यूटर के डी ड्राइव में अगर जाएं तो डी ड्राइव में जाने के बाद डी पार्टीशन में जाने के बाद अगर कोई फोल्डर ये खोलना चाहते हैं ऑडियो का और इसमें सॉन्ग जो है तो ये दोनों दोनों यूजर्स में जाकर के कोई सा भी सॉन्ग जो इसमें स्टोर था वो प्ले कर सकते हैं। तो यूजर बनाने का मतलब ही क्या हुआ, पहला यूजर भी वही काम कर ले रहा है, सेकंड यूजर भी वही काम कर ले रहा है, दोनों के पास बराबर राइट्स हैं। अगर आप फैट से बनाते हैं फैट फाइल सिस्टम तो ये दोनों यूजर ऑडियो के अंदर के जो सॉन्ग्स हैं उसमें उन दोनों को प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने NTFS फाइल सिस्टम चूज किया है तो यूजर वन जो भी डेटा अपना कंप्यूटर में स्टोर करेगा उस डेटा पे राइट क्लिक करते ही, किसी फाइल पे राइट क्लिक करते ही जो ऑप्शन मीनू खुलता है उस मीनू में एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी का टैब आ जाएगा, यानी यहां पे ऊपर आप देखेंगे सिक्योरिटी टैब आ जाएगा और उस सिक्योरिटी टैब में ये फीचर्स होंगे कि उस फाइल को कोई केवल रीड कर सकता है या उसमें चेंज मॉडिफाई भी कर सकता है या उसे डिलीट कर सकता है। ये राइट्स प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है NTFS में, और फैट में ये फैसिलिटी, ये अगर आपका पार्टीशन फैट का होगा तो सिक्योरिटी टैब आएगा ही, किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करके जाएगा सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। और जब आप NTFS फाइल सिस्टम बना रखा होगा आपने तो किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करके देखिएगा सिक्योरिटी ऑप्शन आएगा, और जब सिक्योरिटी ऑप्शन का यूज कर रहे होंगे तो जितने भी यूजर कंप्यूटर में बने होते हैं इन सभी सभी यूजर्स को मल्टीपल में यूजर, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आप किस ये कब जरूरत पड़ता है, जब आप मल्टीपल सेंट्रली सर्वर पे वर्क करते हैं तो एक मेन जो सर्वर होता है वो किस यूजर को किस लेवल के राइट्स देना चाहता है कि वो फाइल पे लिख सकता है, उसे रीड कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, उसे कॉपी कर सकता है, किस लेवल का राइट देना चाहते हैं, तो NTFS ही NTFS टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल होता है। और ये जो फाइल सिस्टम है इनके हेल्प से होता क्या है, जब आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं और उस काम को जब आप सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रोहित नाम से कोई फाइल सेव की, तो जब ये फाइल स्टोर होती है कंप्यूटर में तो ये फाइल सिस्टम की वजह से ये फाइल सिस्टम ही याद रखता है कि इस यूजर ने हार्ड डिस्क में इस लोकेशन पे इस नाम से इस डेट में इस प्रोग्राम की फाइल ये एक्सटेंशन है यहां पे स्टोर किया हुआ है, और जब भी आप इन फ्यूचर उसे खोलेंगे तो बता देगा कि ये किस डेट की क्रिएटेड फाइल थी। ये सिर्फ फाइल सिस्टम ही याद रखता है। फाइल सिस्टम में आप जो इंडेक्सिंग देखते हैं कंप्यूटर जब ओपन होता है किसी हार्ड डिस्क के सी पार्टीशन में जाए या किसी भी पार्टीशन में जाए तो जो भी फोल्डर्स या फाइल आपको दिखाई देते हैं ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये फाइल सिस्टम की वजह से ही दिखाई देते हैं। ये इंडेक्सिंग का काम करते हैं बेसिकली, जैसे किसी किताब में इंडेक्स होती है उसी तरीके से ये भी एक इंडेक्स की तरह ही होते हैं। जब भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा स्टोर होता है, किसी भी ड्राइव में किसी भी स्टोरेज डिवाइस में कोई भी डेटा स्टोर होता है तो उसका फाइल सिस्टम कंपल्सरी होगा ही होगा। अगर वो फाइल सिस्टम नहीं होगा तो उसमें डेटा स्टोर नहीं हो सकता। इस जब कोई ड्राइव में जो डेटा स्टोर होता है तो ये याद रखता है फाइल सिस्टम। अब अगर फाइल सिस्टम करप्ट हो जाए, कोई कोई वायरस ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं आपका फाइल सिस्टम करप्ट कर देते हैं और आपका डेटा एज इट इज रहता है। आप हार्ड कंप्यूटर के पार्टीशन को ओपन करते हैं DEF, इनको ओपन करने की कोशिश करते हैं आप देखते हैं कि वो ओपन नहीं होते हैं। सब कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी। आप अपने माई कंप्यूटर में जाके DEF पार्टीशन को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो ओपन नहीं हो रहे थे, डेटा पूरा दिखाता है, ये भी बताता है कि इसमें इतना स्पेस खाली इतना स्पेस यूज है लेकिन वो ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं ओपन हो रहा होता है, क्योंकि आपका फाइल सिस्टम करप्ट हो गया है। फिर हम क्या करते हैं, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू उस फाइल सिस्टम की रिकवरी कर लेते हैं और हमारा डेटा एज इट इज हमें पूरा मिल जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पे है कि जो डेटा हमारा है कंप्यूटर में उस डेटा को जो हम डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पर वो रिसाइकल बिन में जाता है। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम रिसाइकल बिन से भी डिलीट करने के बाद डेटा को ला सकते हैं क्या, तो 100% डेटा की रिकवरी हो जाएगी, आप डेटा को वापस ला सकते हैं। लेकिन
अब डेटा को वापस लाने के लिए प्रोसीजर क्या करना पड़ता है और कैसे वो वापस आ जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आप कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करते हैं, जैसे बचपन में ले जाऊंगा मैं आपको, इंग्लिश की जो कॉपी होती थी उस इंग्लिश की कॉपी में आप एबीसीडी लिखते थे इस तरह से, तो उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में कोई चीज डालते हैं या लिखते हैं या कुछ भी उसमें स्टोर करते हैं तो वो इस तरह से स्टोर हो जाता है जाकर के अपनी पूरी ओरिजिनल इमेज की तरह से। और जब भी हम उसे डिलीट करते हैं तो वो डिलीट करने के बाद आपने देखा होगा इंग्लिश की कॉपी में एक मिरर सी रह जाती थी, यानी कि पेज उठा करके आप देखते तो उसकी मिरर देखती थी और उस मिरर से आप वापस रिकवरी करते हुए वापस एबीसीडी लिख लेते थे। आपने इसे मिटा दिया तो आप मिरर से वापस डेटा ला सकते हैं। अगर हम फैट की बात करें तो फैट में फैट वन और फैट टू, इसमें मिरर इमेज रहती है और यहां से वो डेटा की रिकवरी करके, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यहां से मिरर इमेज उठा करके आपका डेटा वापस ले आते हैं। और अगर फाइल सिस्टम एनटीएफएस हुआ तो इसमें एमएफटी होता है, मास्टर फाइल टेबल। मास्टर फाइल डेटा टेबल में इमेज रहती है, इंडेक्सिंग रहती है, वहां से डेटा को रिकवर करके आपके सामने इमेज पूरी ले आता है। अब किस कंडीशन में डेटा रिकवरी नहीं होगी, जब भी कभी भी आपका डेटा डिलीट हो जाए, चाहे पेनड्राइव से चाहे हार्ड डिस्क से कहीं से भी, जब भी आपका डेटा डिलीट हो तो कभी भी उस पर ओवरराइटिंग मत करिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी पेनड्राइव फॉर्मेट हो गई, अब पेनड्राइव में आपका जो डेटा था बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। आप उस पेनड्राइव में अगर आपने कुछ ओवरराइट कर दिया तो डेटा करप्ट हो जाता है। देखिए कैसे, अब यहां पे एबीसीडी लिखी हुई थी, अब यहां इसे आपने ओवरराइट कर दी, ये देखिए ओवरराइट कर दिया आपने। ओवरराइट करने की वजह से क्या हो गया, डेटा करप्ट हो गया। अब डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर डेटा रिकवर तो करते हैं लेकिन कितना करते हैं, ये वाला जो ये करप्टेड फॉर्म में इनके पास बचा होता है ये वाला डेटा रिकवर होता है, यानी कि फाइल का नाम वगैरह तो आ जाएगा लेकिन उसके अंदर के कंटेंट जो होते हैं वो करप्ट हो चुके होते हैं, अधूरे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, कहीं की चीज कहीं पे मिल रही होती है, तो डेटा हमेशा ओवरराइट के केस में आपको वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए कभी भी कोई चीज डिलीट हो तो उस जगह कोई भी डेटा दोबारा से डालेगा, यहां तक छोड़ दीजिए। अगर आपके हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होते हैं, हार्ड डिस्क के सी डी, कई बार ऐसी प्रॉब्लम फेस करी मैंने कि आपकी जो पार्टीशन थे ये सारे के सारे पार्टीशन डिलीट हो गए, हार्ड डिस्क अनएलोकेट हो गई, यानी कि उसमें कोई भी लोकेशन नहीं रही, हार्ड डिस्क ब्लैंक हो गई, बिल्कुल अनएलोकेटेड पार्टीशन लिखकर के आने लगा हार्ड डिस्क में और ये सारे पार्टीशन विद ऑपरेटिंग सिस्टम गायब हो गए। तो डेटा रिकवरी की वजह से हम ये सारे के सारे पार्टीशन वापस ले आए एज इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम भी बता दे रहा हूं, इजी रिकवरी। कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपका जो डेटा है इंपॉर्टेंट डेटा वो लॉस्ट हो गया था तो आप इजी रिकवरी एक सॉफ्टवेयर टूल आता है रिकवरी का, इसे आप गूगल में जाकर के सर्च कर लें, डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल करके रिकवरी चलाएंगे तो आपका डेटा आने की संभावना होगी। 100% नहीं कर रहा लेकिन 99% ट्राई करिएगा, हो जाता है, मैंने रिकवर किया कई बार। कई सारे और भी टूल है उनके थ्रू आप करने की कोशिश करिएगा, डेटा रिकवरी इजिली आपकी हो जाएगी। तो फाइल सिस्टम जो कि इंडेक्सिंग की तरह वर्क करता है, एक बुक में इंडेक्स का जो पेज होता है, जरा कल्पना करिए कि ये इंडेक्स का पेज अगर हम फाड़ दें और आपकी बुक है 5000 पन्नों की, 5000 पेज हैं, इन 5000 पेज में आपसे कहा जाए अर्जुन नाम का चैप्टर है, उस अर्जुन नाम के चैप्टर को ढूंढिए, तो क्या 5000 पेज की बुक में इस अर्जुन नाम को चैप्टर ढूंढना इजी होगा विदाउट इंडेक्स? सेम उसी तरीके से है कि अगर ये फाइल सिस्टम हमारे करप्ट हो जाते हैं तो हमारे हार्ड डिस्क में डेटा तो स्टोर होता है लेकिन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका इंडेक्स का पेज खराब हो गया, वायरस की वजह से उसमें बग आ गया है,
तो वो हमारा डेटा जो है हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारी स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखता है, आइकॉन, फोल्डर, ये सारे इसी तभी दिखते हैं जब तक हमारा फाइल सिस्टम सही होता है। अगर हमारा फाइल सिस्टम सही नहीं है तो आप ये जो विंडो देखते हैं उसमें दिखाई देने वाले फाइल्स एंड फोल्डर आपको दिखाई नहीं देंगे, पार्टीशन ही ओपन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पार्टीशन का साइज मैंने बताया कि फैट फाइल सिस्टम अगर आप यूज कर रहे होंगे तो मैक्सिमम 32 GB तक का एक पार्टीशन बन पा रहा होगा, और अगर आप NTFS यूज कर रहे होंगे तो 1 TB तक का पार्टीशन आप बना पाएंगे। डज नॉट सपोर्ट डेटा कंप्रेशन। अब ये देखिए कंप्रेशन की बात आ रही है, आपने कंप्रेस फोल्डर के बारे में सुना होगा, WinRAR के बारे में सुना होगा, zip फाइल के बारे में सुना होगा। ऐसी फाइलें होती हैं जो नॉर्मली साइज, जैसे फॉर एग्जांपल 25 MB, 25 MB की कोई फाइल थी नॉर्मली जब उसे बनाया गया, अगर उसे हमने कंप्रेस किया तो वो 20 MB की होगी, 20 MB की हो गई फाइल, तो क्या वो कंप्रेस कर दिया गया, वो छोटी जगह में आ गई। ठीक है, तो फैट फाइल सिस्टम में मैनुअली कंप्रेस करना पड़ता है। NTFS में अगर हमने सेटिंग कर दी किसी पार्टीशन की तो उस पार्टीशन में फाइल क्रिएट करते ही वो कंप्रेस फॉर्म में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली स्पेस कम ले लेगी। यानी कि हमारी हार्ड डिस्क कम साइज की है तो NTFS पार्टीशन का यूज करके डेटा को कंप्रेस फॉर्म में अपने पास रखना। जैसे अगर आप एक चादर को खोल लें और ऐसे ही उसे फोल्ड ना करें तो ज्यादा स्पेस लेती है, अगर हम उसे सिस्टमेटिक वे में फोल्ड करके लें तो कम स्पेस में ही काम आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से है ये। डज नॉट सपोर्ट डिस्क कोटा। अभी डिस्क कोटा क्या है? डिस्क कोटा जैसे हमारे यूजर, मैं भी आपको बता था वेलकम स्क्रीन पे जो यूजर बन के आते हैं, यूजर वन, यूजर टू, तो हम किसी यूजर को चाहते हैं, हार्ड डिस्क हमारी 80 GB की है, हम चाहते हैं ये यूजर को काम करने के लिए केवल 20 GB का स्पेस मिले। हम यूजर को स्पेस प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप जितना भी काम करेंगे 20 GB यही है आपके पास, इतने में ही काम करना है आपको, और अगर इससे ज्यादा काम करना चाहते हैं तो NTFS फाइल सिस्टम में, इससे ज्यादा काम करना चाहते हैं तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टेक्ट करें, एडमिनिस्ट्रेटर ही आपका ये साइज कम या ज्यादा कर सकता है। लेकिन फैट फाइल सिस्टम में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप इतना ही स्पेस यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ए फाइल सिस्टम। ठीक है, अगर हम, मैं थोड़ा सा और इसमें बता देता हूं, अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग ही तरीके से होते हैं पार्टीशन, तो मैं बता देता हूं वहां पे जो पार्टीशन होते हैं, रूट, बूट, होम, स्वैप। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप बनाने जा रहे होते, इंस्टॉल करते अपने कंप्यूटर में, तो वहां पे जो फाइल सिस्टम होते हैं वो रूट, बूट, होम, स्वैप होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम लाइनेक्स का है, तो आप बता सकते हैं इसमें से, रूट, बूट, होम, स्वैप। टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग इन SSD, यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव आती है हमारी, हार्ड डिस्क का काम तो स्टोर करना होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम जो हमारा कंप्यूटर है, जो मदरबोर्ड है, वो उसमें पोर्ट कौन सा है उसको लगाने के लिए। ID, इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, PATA और ATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और यहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी कि आप देख रहे हैं ये जो केबल इस तरीके से यहां पे दिख रही है आपको, ये PATA हार्ड डिस्क की डेटा केबल है। एक हार्ड डिस्क इस तरह से, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में यहां पर डेटा केबल की जरूरत पड़ती है, डेटा केबल क्यों पड़ती है, डेटा की इंटरफेसिंग को मदरबोर्ड तक, प्रोसेसर तक लाने के लिए, काम कराने के लिए। जम्पर मैंने बताया था अभी पहले, जम्पर, और यहां पे पावर कनेक्टर, हार्ड डिस्क को चलाने के लिए पावर सप्लाई। ठीक है,
तो ये जो इंटरफेसिंग यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है मदरबोर्ड और कंप्यूटर के इस हार्ड डिस्क के बीच में, ये इसे कहते हैं इंटरफेसिंग। यानी कि ये हार्ड डिस्क का काम तो स्टोरेज करना है, लेकिन ये कंप्यूटर से कनेक्ट किस पोर्ट पे हो रही है, इसका टाइप क्या है, इंटरफेसिंग क्या है इसकी। तो इसकी इंटरफेसिंग जो है अलग अलग टाइप की हो सकती है, इतने तरीके की। आईडी इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखें यहाँ पे इसका फुल फॉर्म, ठीक है। आईडी की डेटा केवल इस तरीके से होती है और हार्ड डिस्क का लुक कुछ उस तरीके से वहां पे बना हुआ है, आप देखें उसे जरा। आईडी नेक्स्ट, साटा एडवांस सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका फुल फॉर्म लिख लें, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इसका जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर इस तरीके से, ये इसका डेटा केबल का कनेक्टर है, यानी कि वहां पे 40 पिन का आप कनेक्टर देख रहे थे, लंबा सा बड़ा सा केबल सा था पट्टे की तरह से, यहां पे जो इसका डेटा केबल का कनेक्टर वो इस तरीके से है 7 पिन का। ये आप देख सकते हैं यहां पे 7 पिन कनेक्टर, ठीक है। ये ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेरिजन देन आईडी हार्ड डिस्क, ठीक है। डेटा ट्रांसफर रेट इसका ज्यादा होता है। लेटेस्ट हार्ड ड्राइव आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंटरफेस, दिस इज मोर फास्टर देन ओल्डर आईडी इंटरफेस, ठीक है। तो ये आईडी के बाद जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई तो वह है साटा। साटा के बाद और भी तरीके के इंटरफेसेस हैं हमारे पास, देखें जरा यहाँ पे यूएसबी। आप अगर अपने लैपटॉप में अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, यानी कि आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी थी, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 200 GB आपके लैपटॉप की स्टोरेज कैपेसिटी है और वो स्पेस फुल हो गया है, तो आप अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, बेसिकली इंटरनल पार्ट पे ये जो हार्ड डिस्क होती है ये साटा हो सकती थी, आईडी हो सकती है, लेकिन जब ये बाहर की जो इसकी केसिंग देख रहे हैं आप, ये केसिंग यूएसबी में कन्वर्ट कर रही है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कंप्यूटर को एक्सटर्नल, देखें एक्सटर्नल कनेक्शन है बेसिकली, ठीक है। एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए इस हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, यानी कि हम डेटा इसमें स्टोर करके किसी और कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा करके डेटा वहां कर, एक समझ लीजिए पेनड्राइव का बड़ा रूप, पेनड्राइव का कम स्पेस होता है, हम उसको कंप्यूटर में लगा के डेटा को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए इसमें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैसी हार्ड डिस्क, स्कैसी इंटरफेस। यानी कि अभी तक हमने देखा तीन तरीके के, हमने देखा आईडी, देखा हमने देखा साटा, हमने देखा यूएसबी, तो एक और टाइप का इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज स्कैसी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसका जो ये पोर्ट है आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये पोर्ट जो है या तो 50 पिन का हो सकता है, 68 पिन का कनेक्टर ये हो सकता है। इसमें भी जम्पर की सेटिंग है यहां पर और पावर सप्लाई है। काम हार्ड डिस्क का स्टोरेज का ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, मदरबोर्ड है, उस पर कनेक्ट किस पोर्ट पे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए जब भी आप मार्केट में हार्ड डिस्क परचेस करने जाएं, तो हार्ड डिस्क परचेस करते समय आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो हार्ड डिस्क का इंटरफेस किस टाइप का है। और आप मार्केट में जब भी पूछेंगे जाकर के किसी से कि मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि इंटरफेस क्या है उसका, वो आईडी ही है, वो साटा है, वो स्कैसी है, वो यूएसबी है। तो आप इंटरफेस आपको पता होना चाहिए आपके हार्ड डिस्क का इंटरफेस किस टाइप का है, किस टाइप की हार्ड डिस्क वो लगी होगी। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू दिखाया भी, आप ग्राफ देख के समझ भी गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर में इस ये हार्ड डिस्क लगी है, तो आप समझ जाएं कि वो इनमें से ये है, ठीक है। तो ये स्कैसी हार्ड डिस्क है, स्कैसी हार्ड डिस्क का पोर्ट मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके का पोर्ट हो सकता है उसका। ये जम्पर की सेटिंग के बारे में यहां बताया जा रहा है और यहाँ पे इसकी पावर कनेक्टर जो हम लगाएंगे उसका। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डिवाइस हमारी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हालांकि फ्लॉपी अब नहीं आती है, बहुत ही रेयरली कहीं आपको फ्लॉपी आज की डेट में बहुत रेयर कहीं देखने को मिले, लेकिन एग्जाम में क्योंकि फ्लॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो फ्लॉपी भी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क कैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसे डिस्क कैट भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क आप देख पा रहे हैं कि इसकी इमेज
एक छोटी, फिर मीडियम, फिर लार्ज यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखिए जरा फ्लॉपी का अकॉर्डिंग टू साइज। अगर आप फ्लॉपी मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो फ्लॉपी का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, 8 इंच, 5.5 इंच और 3.5, यानी कि 3.5 इंच जो है फ्लॉपी का साइज यहाँ पे आपको दिख रहा है। 3 कैटेगरी में फ्लॉपी की जो साइज थी, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं साइज, ठीक है, ड्राइव का साइज और फ्लॉपी का साइज, इस साइज से स्टोरेज का कोई लेना देना नहीं था। जरूरी नहीं था कि इसकी साइज इसमें ही आए। कैपेसिटी, इसको ऐसे हाइड करके देखिए, कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले 360 KB की कैपेसिटी की फ्लॉपी डिस्क आई मार्केट में, उसके बाद 720, देखिए मेमोरी हमेशा डबल होकर के चल रही है, 720 के बाद 1.44 MB आई, उसके बाद 2.88 MB की फ्लॉपी आई, और उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आना बंद हो गई। पेन ड्राइव का चलन आ गया था, लोगों ने पेन ड्राइव यूज करना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि फ्लॉपी कॉस्टली भी मिल रही थी और स्टोरेज साइज भी कम था, लोगों ने इसे बेहतर सीडी का यूज किया, उसमें राइट भी हो जाता था और कॉस्टिंग भी कम आती थी। फिर उसके बाद पेन ड्राइव जब आ गई तो लोगों ने इसे यूज करना भी बंद ही कर दिया, ठीक है। ये एक फ्लॉपी डिस्क इज ए स्मॉल रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम, यानी कि आप इस डिस्क में किसी कंप्यूटर से डेटा लेकर के दूसरी लोकेशन पे डेटा ले जा सकते थे। तो बस एक सिंपल, अब इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है फ्लॉपी से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं, फ्लॉपी के डेटा को देखने के लिए डेस्कटॉप पर किस आइकन पर क्लिक करेंगे, बताइए। माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। दुनिया की कोई सी भी स्टोरेज डिवाइस का अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो उसके डेटा को देखने के लिए आपको माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। माई कंप्यूटर में जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होती है सभी स्टोरेज डिवाइस की के कॉलम साइन होकर के आते हैं। क्वेश्चन एक और बनता है, फ्लॉपी का डेटा देखने के लिए डेटा देखने के लिए किस कॉलम पर जाएंगे। अभी तक आप बहुत सारे लोगों ने ए कॉलम तो देखा होगा, अब लेटेस्ट के कंप्यूटर में ए कॉलम देखने को मिलता ही नहीं है, ए देख ही नहीं पाएंगे कि ए कहां है। माई कंप्यूटर आपने ओपन किया, माई कंप्यूटर ओपन करते ही आपने ए कॉलम देखा, एक कॉलम पे फ्लॉपी 3x12 इस तरह से लिखा होगा, तो आप समझ जाइए। अगर फ्लॉपी नहीं भी लिखा है, ए लिख करके 3x12 लिखा है, तो समझ जाइए कि यहां फ्लॉपी की ही बात की जा रही है, हमसे फ्लॉपी का ही डेटा देखना है हमें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ए के अलावा बी कॉलम, प्रीवियस ईयर में 2 फ्लॉपी एक कंप्यूटर में हम लगा सकते थे और उन 2 फ्लॉपी के अंदर का डेटा हम देख सकते थे, ठीक है। ए और बी पार्टीशन जो कॉलम थे वो हमारे बेसिकली फ्लॉपी के लिए बनाए गए थे, उसके बाद के कॉलम जो थे वो हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव यानी कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मोबाइल स्टोरेज, इन सब के लिए बनाए गए हैं। उनमें वो कॉलम असाइन होते हैं ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी चीज को प्लग करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो फ्लॉपी से रिलेटेड ये इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके से फ्लॉपी के बारे में हम समझे। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। प्रीवियसली हम इसको पढ़ते हुए आ रहे थे कि ऑप्टिकल डिस्क होती है, तो इसके बाद इसकी जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, इस तरीके से ये निकल करके आई है ड्राइव। आप देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मार्केट में जो आज की डेट में अवेलेबल है, बहुत पहले से, आज से 10-12 साल पहले से आप देखते आ रहे सीडी डीवीडी, फिर 5-6 साल पहले से आपने डीवीडी देखी, अब रिसेंटली 2-3 साल पहले आपने बीआरडी। हम से कई लोग होंगे सर बीआरडी कौन सी डिस्क, अभी तक हमने डीवीडी तो सुनी थी, बीआरडी। अब कुछ लोग पीछे से कह रहे हैं सर ब्लू रे डिस्क, तो बीआरडी मींस ब्लू रे डिस्क। मार्केट में ब्लू रे डिस्क अवेलेबल है और इसके अंदर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है। अब कुछ मोस्टली 99% लोग एचवीडी देख रहे हैं। ये एचवीडी क्या आ गया, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो एचवीडी ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, इसको मैं आगे आपको डिटेल में दिखाता हूं इसकी वीडियो समेत कि ये एचवीडी क्या आया है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकली यानी कि जिस डिस्क जो ये आप देख रहे हैं सीडी डिस्क, ये जो डिस्क देख रहे हैं इसके डेटा को ऑप्टिकली बीम के थ्रू रीड एंड राइट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी डिस्क जब भी बात आ रही होगी तो ये ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में ही आ रही होंगी। ये सारे डिस्क का जब भी नाम लिया जाएगा तो आपको इस तरीके से ही देखना है। आगे देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की वर्किंग है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की वर्किंग मैं बता दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में प्रीवियसली। अगर ये चार्ट आपने एक बार समझ लिया तो इस चार्ट के थ्रू आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव से, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके क्वेश्चन इजी वे में क्लियर हो जाएंगे। नेम ऑफ डिवाइस सीडी रोम, सीडीआरडब्ल्यू, कॉम्बो, डीवीडी रोम, डीवीडी राइटर, बीडी रोम, बीडी राइटर। जब भी कहीं वर्ड लिखा हो रोम, किसी में भी रोम रोम, तो ये समझ लेना कि केवल पढ़ने का ही काम हो सकता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम केवल रीड ही कर पाएंगे। और जब भी कहीं आरडब्ल्यू लिखा हो तो समझ लेना कि पढ़ने के अलावा लिखने का भी काम उसमें करता है। एक कॉम्बो डिवाइस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आई थी मार्केट में बीच में, तो अभी मैं बता देता हूं इसको क्या है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सीडी रोम का क्या फंक्शन है। सीडी रोम का सबसे पहले मार्केट में सीडी रोम आई, यानी कि जब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आई तो सबसे पहले तो सीडी को हम पढ़े उसमें कंटेंट क्या लिखा है। तो सीडी रोम जो मार्केट में आई, अगर आपसे पूछा जाए सीडी रोम क्या करता है, तो यहां पे देखें आप इनके फीचर्स लिखे हैं सीडी रीड, सीडी राइट, डीवीडी रीड, डीवीडी राइट, ब्लू रे डी रीड और ब्लू रे डिस्क राइट, ठीक है। तो अगर आप सीडी रोम की बात कर रहे हैं तो ये केवल एक ही काम करता है, सीडी रीड, ये केवल सीडी को रीड करने का ही काम करेगा, ठीक है। बाकी अदर वर्क में आप देखें नो नो लिखा हुआ है। अब आप पहले आपने परचेस किया था सीडी, सीडी रोम की ड्राइव यूज कर परचेस कर रखी थी आपने, अब आपने क्या किया सीडी राइटर खरीद लिया, ठीक है। अब सीडी राइटर खरीद लिया तो आप सीडी में जो कंटेंट है वो तो प्ले कर ही सकते हैं, प्लस उस में सीडी में आप ब्लैक सीडी मार्केट से रिकॉर्डेबल डिस्क खरीद के लाइए, उस डिस्क में भी डेटा, न्यू डेटा डाल सकते हैं। तो यहां पे आप देखें सीडी रीड, सीडी राइट। एक और नई चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आपके पास री राइटेबल डिस्क है, री राइटेबल डिस्क है यानी कि उसमें दोबारा राइट किया जा सकता है, तो ऐसी डिस्क में दोबारा से डेटा डाला जा सकता है। किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कि सीडी राइटर क्या करता है, तो सीडी रीड भी करता है, सीडी राइट भी करता है और सीडी रीराइट भी करता है, तीन वर्क हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी और अपडेट हुई तो कॉम्बो ड्राइव आ गई। अब कॉम्बो ड्राइव क्या कर रही थी, सीडी को रीड भी कर ले रही थी, सीडी को राइट भी कर ले रही थी, और एक एडिशनल फीचर और आया इसमें डीवीडी रीड, तीन काम कर लिए इसमें। और सीडी को रीराइट तो ही कर ही रही थी, सीडी को रीराइट भी कर ले रहा था। उसके बाद डीवीडी रोम, डीवीडी रोम जो था वो सीडी को रीड कर सकता है और डीवीडी को रीड कर सकता है। मैंने पहले बताया था रोम वर्ड जहां भी आएगा तो आप केवल रीड करने ही बात करिएगा, राइट का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं लगेगा। देन उसके बाद आया डीवीडी राइटर, डीवीडी राइटर का काम होता है सीडी को रीड करना, सीडी को राइट करना, सीडी को रीराइट करना, यानी कि अगर आपने एक सीडी रीराइटेबल सीडी है आपकी, उसके डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, उसमें दोबारा राइट कर सकते हैं, डीवीडी को भी रीड कर लेगा और डीवीडी को भी राइट प्लस रीराइट कर देगा, ठीक है। ब्लू रे डिस्क पे कोई वर्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है बीडी रोम, ब्लू रे डिस्क रोम। ये डिवाइस क्या करती थी, देखिए फिर वही बात आ गई, सीडी को रीड कर लिया इसने, इनने डीवीडी को रीड कर लिया और क्या किया ब्लू रे डिस्क को रीड कर लिया, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें डीवीडी ब्लू रे रोम खरीदने से, ये केवल रीड करने का ही काम कर रही थी। हमने क्या किया ब्लू रे राइटर लिया है।
अब ब्लू रे राइटर ले आए तो देखिए आप सब में यस 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 हो गया, सारे काम कर सकती है टेक्नोलॉजी। तो इस चार्ट को अगर आपने ध्यान कर लिया तो कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है मोस्टली एग्जाम में इस चार्ट से रिलेटेड। तो इस चार्ट से ही एक क्वेश्चन हमारा आ गया। एक क्वेश्चन, सीडी में आप क्या करते हैं? सीडी में क्या करते हैं आप? तो सीडी में आप लिख सकते हैं यानी कि राइट। सीडी से आप क्या करते हैं? तो क्या करेंगे? रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? रीड करेंगे। सीडी में क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आप ब्लू रे डिस्क और एचवीडी के बारे में आ गया। पहले देखें ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 25 जीबी। आप देखें यहां पे डिस्क में लिखा भी है 25 जीबी यहां। ठीक है, ब्लू रे डिस्क 25 जीबी, यानी कि आप समझ लीजिए पुराने जमाने में इतनी हार्ड डिस्क भी नहीं आती थी। 25 जीबी से आज की डेट में आप 100 जीबी तक की ब्लू रे डिस्क मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि आपको हार्ड डिस्क करने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल एक डिस्क खरीद लीजिए, 3-4 डिस्क खरीद लीजिए, 500 जीबी की आपकी ब्लू रे डिस्क हो जाएगी। ठीक है, तो हाई डेंसिटी डिस्क होती है ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें ज्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क को रीड करने के लिए आपको ब्लू रे ड्राइव भी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आई हमारी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, न्यू टेक्नोलॉजी जो कि अभी इंडिया में नहीं मिलेगी आपको। ये टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर आने वाली टेक्नोलॉजी है ब्लू रे डिस्क के बाद। अभी तो ब्लू रे डिस्क ही बहुत सारे लोग यूज नहीं कर पाए, अब आगे होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क एचवीडी। होलोग्राफिक, देखिए यहां पे इस पूरी इस लिखी हुई हेडिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 6 टेराबाइट स्टोरेज की जा सकती है। यहां पे हम जीबी में कर रहे थे, 50 जीबी, 100 जीबी, 25 जीबी, 6 टेराबाइट ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी आने वाली है। तो आप समझ लीजिए हार्ड डिस्क की जरूरत ही हम लोगों को नहीं पड़ रही है, केवल एक डिस्क में डेटा स्टोर कर लिया और सारा कंप्यूटर उसी में आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में हम केवल सीडी की बात करते थे, तो सीडी 700 MB स्टोरेज उसकी होती थी एक सीडी की। एक सीडी में पिक्चर आ जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए जब डीवीडी लाए हम लोग, तो डीवीडी की 4.7 जीबी स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसकी? डीवीडी की। तो 4-5 पिक्चरें आ गई डीवीडी में, और डीवीडी और एडवांस किया डबल लेयर। अगर आपके सीडी ड्राइव में डीएल लिखा हो तो डबल लेयर समझ लीजिएगा, डबल लेयर बताया जा रहा है, यानी कि ये 9.4 जीबी की डीवीडी डिस्क हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जा रही थी, सीडी की 700 MB, डीवीडी की 4.7 जीबी, और अगर डबल लेयर डीवीडी है तो 9.4 जीबी, या 17.8 डबल साइडेड डबल लेयर डीवीडी भी आती है, 17.8 जीबी की जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, स्कैन डिस्क, देख रहे हैं आप पेन ड्राइव, एक ब्रांड नेम है। पेन ड्राइव स्कैन डिस्क ब्रांड नेम। जो पेन ड्राइव होती है बेसिकली इसकी खासियत यह है कि इसमें इंटरफेस होता है। इस पेन ड्राइव में ये देख रहे हैं आप यूएसबी इंटरफेस होने की वजह से, यहां पे आप देख रहे हैं मेमोरी कार्ड, मतलब दो डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, एक पेन ड्राइव पढ़ रहे हैं, एक मेमोरी कार्ड पढ़ रहे हैं फ्लैश मेमोरी में। ये ईईपी रोम का टाइप मैंने आपको बताया था, यही जो आपका मेमोरी कार्ड है ये सेम मेमोरी कार्ड इस पेन ड्राइव के अंदर लगा होता है। बस यहां पे इंटरफेस कराने के लिए कोई चीज नहीं है, इसको हमें मोबाइल में लगाना पड़ता है या किसी कैमरे में लगाते हैं हम, और पेन ड्राइव को डायरेक्टली हम सिस्टम में यूएसबी पोर्ट पर लगा करके इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस हैं, यानी कि जब तक हम इसमें से कोई चीज मिटाएंगे नहीं तब तक वो उसमें स्टोर रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी फिजिकल रैम एंड वर्चुअल रैम, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव, नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड स्टोरेज की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लाउड स्टोरेज आज की डेट में नई एक टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, यानी कि जो भी आप डेटा स्टोर आजकल आप देख रहे हैं, गूगल ड्राइव ड्रॉपबॉक्स, कई सारे ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन स्टोरेज आपको प्रोवाइड करा रही है। यानी कि आज की डेट में क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करके रखते हैं और हार्ड डिस्क का अगर क्रैश हो गई तो वो डेटा क्या होता है, करप्ट हो जाता है, गायब हो जाता है और हमें मिलता नहीं। तो हम क्या करते हैं आज की डेट में, हम क्या करने लगे, वो डेटा को क्लाउड पे स्टोर करने लगे। क्लाउड यानी कि ऐसी कंपनी किसी ने जिसने अपने अपने सर्वर में स्टोरेज दे रखी है हमें अपना डेटा स्टोर करने के लिए। तो ऐसी स्टोरेज जो किसी कंपनी के सर्वर में हमें प्रोवाइड कराई जा रही है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज, वो क्लाउड स्टोरेज कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी यूनिट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। मेमोरी को यूनिट में बात करेंगे तो बिट जीरो अगर आ रहा है कहीं पर तो जीरो मतलब होता है ऑफ, और वन अगर आ रहा है तो वन का मतलब होता है ऑन। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, बिलियन और मिलियन, जब भी कहीं पे मिलियन वर्ड लगा हुआ है, वन मिलियन बाइट इज इक्वल टू, तो आप समझ जाइएगा कि 1 MB इक्वल्स टू 1 मिलियन बाइट आ रहा है, और जब भी 1 GB कहीं लिखा हो 1 GB तो 1 बिलियन इक्वल्स टू 1 GB, यानी कि मिलियन और बिलियन की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये लक्ष्य दिए हुए हैं इसमें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें मेमोरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 1 बिट इक्वल्स टू, अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहां पे मेरे माइंड में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 और 1, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं बताता हूं आपको, दूसरा ऑब्जेक्टिव 0 and 1, तीसरा बोथ, और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। क्वेश्चन ये है कि बिट इज इक्वल्स टू, एक बिट बराबर होती है इनमें से किसके, 0 और 1, 0 and 1, बोथ, नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे आंसर आ गए हैं लोगों के, तो आंसर है 0 और 1। एक बिट या तो वो 0 हो सकती है या तो वो 1 हो सकती है, ठीक है। तो देखें यहां पे 1 बिट इक्वल्स टू 0 और 1, 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, जब 8 बिट हो रहे होंगे, यानी कि 8 बिट ऐसे हो सकते हैं 0 1 1 0 0 1 1 1, तो ये 8 बिट हो गई, ये 8 बिट यानी कि 1 बाइट के बराबर है। 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB, 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। बहुत सारे लोगों ने टीबी तक तो पढ़ा था, कई सारी बुक्स में टीबी तक तो लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जीबी तक ही पढ़ा हो। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी जो थी और आगे बढ़ गई, क्योंकि मार्केट में टीबी तक स्टोरेज अवेलेबल हो गई अब, तो और आगे तक भी तो स्टोरेज यूनिट जाएगी, तो और आगे तक स्टोरेज यूनिट चली गई। 1024 TB इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, 1024 PB इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट, 1024 EB इक्वल्स टू 1 जीटाबाइट, और 1024 ZB इक्वल्स टू 1 योटाबाइट। रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी साउथ में, आपने रोबोट मूवी देखी थी, रोबोट मूवी में वो कहते हैं मेमोरी 1 जीटाबाइट, 1 जीटाबाइट यानी कि आप समझ रहे हैं कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो ये थी।
हमारे घर में हम कंप्यूटर जो यूज करते हैं उसमें हम जीबी में 500 GB मैक्सिमम यूज कर रहे होते हैं, और उस रोबोट की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 1 ZB थी। चिट्टी नाम का जो रोबोट था वो उसमें बोलता था कि मेमोरी 1 ZB, अगर आप दोबारा देखिएगा तो उसे नोट करिएगा, वो बोलता हुआ नजर आएगा वहां पर। तो इतनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी डेटा को स्टोर करने की, जो कि हम अभी टीवी तक ही पहुंच पाए मार्केट में, अगर हम परचेज करने जाएंगे करंट में तो 1 TB। तो ये स्टोरेज जो मेमोरी यूनिट है यहाँ पे, ये मेमोरी यूनिट इस तरह से कैलकुलेशन होती है इसकी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 1024, जब आप 512 MB लिखते हैं तो 512 MB का डबल जो होता है 1024 MB, तो 1024 MB आप देखें कहां पे लिखा है, 1024 MB इक्वल टू 1 GB कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी हम ये नहीं कहते कि हमें 1024 MB का मेमोरी कार्ड दे दीजिए, हम क्या कहते हैं, हमें 1 GB का मेमोरी कार्ड दे दीजिए। मेमोरी हमेशा डबल होती चलती हुई है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 512 के बाद 1024 के बाद डबल होती 2 GB, 4 GB, इस तरह से मेमोरी जो है डबल होती हुई चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ते हैं हम, देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट, यानी कि अगर आप में इतनी ही दी हुई, ये 5 ऑब्जेक्टिव आपके दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इन दिए हुए में सबसे बड़ी स्टोरेज जो कैपेसिटी है मेमोरी यूनिट है वो कौन सी है, तो आंसर देखिए आपके सामने पीबी, पीबी यानी कि पेटाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीआर, डीडीआर का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, डीडीआर का फुल फॉर्म आंसर देखते हैं यहां पे, आंसर आ जाएगा अभी आपका डबल डेटा रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि सभी लोगों ने बहुत पढ़ा अभी हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं, पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑड है, रैम हमने पढ़ी थी प्राइमरी मेमोरी, रोम हमने पढ़ी थी प्राइमरी मेमोरी में, ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, पेनड्राइव जो आ रही थी बेसिकली यहां पे, इन सभी से डिफरेंट परमानेंट रूप से, परमानेंटली ऐसा डेटा जिससे हम इरेज भी कर पा रहे थे, ओवरराइट कर पा रहे थे, वो पेनड्राइव होता है, तो आंसर देखें यहां पे पेनड्राइव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी, मैंने आपको बताया था कि कौन सी फ्लैश मेमोरी होती है, तो पेनड्राइव आपकी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी डिवाइस जो है सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, तो हम लोगों ने ये भी प्राइमरी में पढ़ा और मेमोरी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में हमने पढ़ा था, आंसर देखें आपके सामने मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट आ गया है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट मेमोरी टर्म्स ऑफ स्पीड, तो स्लोएस्ट मेमोरी जो होती है हमारी मैग्नेटिक टेप होती है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि जब जो एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि किसी भी ड्राइव में डेटा स्टोर किस तरह से हो सकता है, तो दो चीज होती है, या तो सिक्वेंशियल होगा या वो रैंडम होगा, रैंडम। ठीक है, अब सिक्वेंशियल की बात करते हैं, तो जो टेप ड्राइव होती है हमारी, टेप यानी कि आप जो घर में वो टेप वाली ऑडियो कैसेट सुनते थे, वो टेप की डिस्क में डेटा सिक्वेंशियल एक्सेस में स्टोर होता है, और हमारी जो जो फ्लॉपी है, पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है या आपकी जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, इन सभी में हम लोग रैंडमली डेटा रीड एंड राइट कर पाते हैं, उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखें, 1 million byte इज इक्वल टू, अभी मैंने प्रीवियसली आपको एक लाइन दिखाई थी मिलियन की बात की जा रही थी, तो जब भी मिलियन की बात की जाए तो आंसर वहां पे 1 MB आंसर आपका है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं,
पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो हम यहाँ पे देखें, मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है, कैश मेमोरी में स्टोर होता है, सीपीयू में डेटा स्टोर नहीं हो रहा था, प्रोसेसिंग यूनिट थी ये, तो सीपीयू इज द डिफरेंट आंसर। ठीक है, डू लाइक अस, कमेंट ऑन अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल mahindraguru.com, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।